प्रधानमंत्री कल जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त। 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा फायदा। संसद का मानसून सत्र आगे बढ़ाने की उठी मांग। राज्यसभा सांसद ने कहा पीएम मोदी जासूसी मामले पर कराई जांच। आईटीबीपी में पहली बार महिला अफसरों की हुई भर्ती। पहले बैच में 2 महिलाओं ने किया ज्वाइन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। केंद्र ने राज्यों को अब तक कोरोना वैक्सीन की 52 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को उज्ज्वला योजना 2.0 का करेंगे लॉन्च। लाभार्थियों से करेंगे संवाद। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस द्वारा प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी नामक विशेष पुस्तक का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह के बतौर अतिथि बने, जहां 53 अधिकारियों ने बुनियादी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आज देश सेवा की शपथ ली। आपको बता दें कि आईटीबीपी अकादमी से कुल 53 सहायक कमांडेंट पास आउट हुए हैं, जिसमें से 42 सहायक सेनानी भी इसमें शामिल हैं। जहाँ भी उनकी तैनाती रही है, उन्होंने देश की आन बान शान के लिए काम किया है। आज जो 53 परीक्षण लेकर जो 53 यहाँ की कंपनी कमांडर अब से वो तैनात होने वाले हैं, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आईटीबीपी का नाता राज्य शक्ति तीलू रोतली पुरस्कार से डिग्री कॉलेज की शिक्षिका डॉक्टर राजकुमारी चौहान को सम्मानित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने वाली डॉक्टर राजकुमारी चौहान को पुरस्कार भेंट किया। डॉक्टर राजकुमारी चौहान ने यह पुरस्कार उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाली महिलाओं को समर्पित कर दिया है। मैं आज बेहद खुश हूँ क्योंकि तीलू रौतेली पुरस्कार, क्योंकि एक वीरांगना थी तीलू रौतेली और जिन्होंने अपनी आन बान शान की खातिर अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी, तो ऐसी महिला के नाम पर जो पुरस्कार दिया जा रहा है और इस महाविद्यालय में ये मुझे दिया जा रहा है, उच्च शिक्षा को दिया जा रहा है और महिलाओं के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो मुझे आज बेहद। उत्तराखंड सरकार के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से मुलाकात की। अरविंद पांडे ने वंदना कटारिया के घर पहुंचकर पूरे परिवार को पुष्प गुच्छ और शॉल उड़ाकर बधाई दी। खेल मंत्री ने कहा कि आज परिवार के संघर्ष के बाद उत्तराखंड की बेटी ने यह मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए पूरा परिवार इस वक्त बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने पर वंदना कटारिया का भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। वंदना कटारिया जो इस देश की वो खिलाड़ी है कि जिसने अपने देश हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, मैं इस बेटी को उत्तराखंड प्रदेश सरकार की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से मैं उस बेटी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, अपने काम के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, इन सबका नाम रोशन। तो रोशनाबाद में आज हॉकी खिलाड़ी के घर पर पहुंचे थे खेल मंत्री, जहां पर हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से खेल मंत्री ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में वंदना कटारिया के प्रदर्शन को देखते हुए इस वक्त पूरा देश उनकी सराहना कर रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार के खेल मंत्री अरविंद पांडे आज हॉकी खिलाड़ी के घर पर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि घर पहुंचकर पूरे परिवार का पुष्प गुच्छ और शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही खेल मंत्री ने कहा है कि आज परिवार के संघर्ष के बाद उत्तराखंड की बेटी ने जो ये मुकाम हासिल किया है, इसके लिए उनका पूरा परिवार इस वक्त बधाई का पात्र है। साथ ही उन्होंने
ऐलान किया है कि उत्तराखंड आने के बाद वंदना कटारिया का भव्य तरीके से स्वागत सत्कार किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे नैनीताल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री पहली बार नैनीताल पहुंचे थे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्य अतिथि गृह में उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन के पास लेकर इस वक्त पहुंचने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस और आपको निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग कोरोना काल के वक्त अपने घरों में बैठे थे, जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में लोगों की सेवा की। आज हमारे मुकाबले पे जो पार्टियां मुकाबले के अंदर हैं, सब भ्रष्टाचार से युक्त हैं। भ्रष्टाचार के अनेक आरोप उन पर लगा सकते हैं। मैं गौरवशाली हूं कि हमने ऐसा देश के अंदर शासन दिया, राज्य में शासन दिया है कि हम पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। यहाँ के उत्तराखंड के बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने उत्तराखंड का निर्माण किया था, उनको बहुत दुख था पीछे जो हमने उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार देखा है। लेकिन आज यहाँ की जनता खुश है, यहाँ की खुशहाली के लिए अनेकों अनेक चुनौतियाँ हमारे सामने हो सकती हैं। उन चुनौतियों के लिए हम संघर्ष भी करेंगे। तो नैनीताल में आज कार्यकर्ता संवाद का आयोजन किया गया है, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। बीजेपी महासचिव ने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना काल के वक्त कांग्रेसी घर पर बैठे हुए थे, जबकि भाजपा सरकार के कार्यकर्ता लगातार कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे थे। ऐसे में जरूरी है कि राज्य और केंद्र सरकार की जो भी योजना इस वक्त चलाई जा रही है, सभी को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, जिससे आगामी चुनाव में बीजेपी को भारी फायदा हो सके। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने बेरोजगारी को लेकर होने वाली रैली पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने रैली में शामिल होने आ रहे कार्यकर्ताओं को सुल्तानपुर में रोक दिया। लक्सर से सैकड़ों युवा ट्रैक्टर लेकर इस रैली में शामिल होने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। लक्सर विधानसभा सीट से विधायक पद के दावेदार अजय वर्मा का कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ जो बर्ताव कर रही है वह सही नहीं है। तो लक्सर में आज आपको बता दें कि पुलिस ने पूरा शिकंजा कसा है, जहां पर कार्यकर्ताओं को श्रीकुल मैदान में रैली निकालने से रोका गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने बेरोजगारी को लेकर रैली आयोजित करने का प्लान बनाया था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने रैली में शामिल होने आ रहे सभी कार्यकर्ताओं को सुल्तानपुर में ही रोक दिया। वहीं लक्सर से सैकड़ों युवा ट्रैक्टर लेकर इस रैली में शामिल होने के लिए हरिद्वार जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें भी तत्काल रोक दिया गया। वहीं आपको बता दें कि लक्सर विधानसभा सीट से विधायक पद के दावेदार अजय वर्मा ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ जो इस वक्त बर्ताव कर रही है वो बेहद सही नहीं है। जिलाधिकारी त्रिलोक सिंह और एसडीएम ने टनकपुर तथा बनबसा में विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि टनकपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जलभराव, नालों, पुलिया की स्थिति आदि का निरीक्षण कर समस्या के समाधान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा हुड्डी नदी क्षेत्र में जाकर वहां हो रहे नदी के बहाव से भू कटान का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। तो चंपावत में इस वक्त डीएम की ताबड़तोड़ कार्यवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त चंपावत में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ित परिवारों और बाढ़ पर पीड़ित गांवों का दौरा करने के लिए अधिकारियों के साथ डीएम मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सभी अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है। इसके अलावा हुड्डी नदी क्षेत्र में जाकर वहां हो रहे नदी के बहाव से जो भूकटान है उसका भी निरीक्षण किया गया, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही लोगों को आश्वस्त किया गया है कि हर संभव मदद सरकार के द्वारा की जाएगी। अल्मोड़ा में राशन कार्ड की गड़बड़ी को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड को लेकर काफी शिकायतें उन्हें मिल रही हैं। इस विषय पर 15 दिन का अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। राशन कार्ड की सूची को ग्राम प्रधानों के माध्यम से देखा जाएगा, उसमें जो भी पात्र लोगों का नाम छूट गया है उन्हें इसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही अपात्र नामों को भी इस पूरे मामले से हटाया जाएगा, जिससे पात्र व्यक्ति ही सिर्फ इस लाभ को ले सके।
तो अल्मोड़ा में इस वक्त अभियान चलाकर राशन कार्डों की इस वक्त जांच की जा रही है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में राशन कार्ड में जो गड़बड़ी के मामले सामने आए थे, उसके बाद से जिलाधिकारी वंदना सिंह काफी नाराज हैं, जिसके बाद उन्होंने दिशा निर्देशित किया है कि राशन कार्ड को लेकर उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी। वंदना 15 दिन के एक अभियान इस वक्त पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। राशन कार्ड की सूची में ग्राम प्रधान के माध्यम से इस पूरी सूची को देखा जाएगा, उसमें जो भी पात्र लोग हैं जिनके नाम छूट गए हैं उनके नामों को शामिल किया जाएगा। साथ ही सूची में अगर कोई भी अपात्र नाम पाया जाता है तो उसे तत्काल हटा दिया जाएगा। राशन कार्ड के विषय में एक शिकायत पहले भी मेरे सामने संज्ञान में आई थी। अभी वर्तमान में एक अभियान भी 15 दिनों का पूरे राज्य में ही चलाया जा रहा है, जिसमें जो राशन कार्ड की यूनिट्स छूट गई है या गलत लोगों के नाम ऐड हो गए हैं, जिसके कारण से सही लोगों को राशन का बेनिफिट मिल नहीं पा रहा है, उसके विषय में जो पूर्व से जो लिस्ट बनी हुई है उसको ग्राम सभाओं में भेजते हुए उसका सत्यापन कराते हुए पात्र लोगों को। नंदप्रयाग के नंदाकिनी नदी में बहकर आई गाय को एनडीआरएफ टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। जिस स्थान पर गाय फंसी हुई थी वहां जाने का रास्ता काफी संकरा था, जिसकी वजह से एनडीआरएफ के जवानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसके बाद गाय को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। आपको बता दें कि नंदाकिनी नदी में बहकर आई गाय को देखकर लोगों ने एनडीआरएफ को तत्काल सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने क्रेन की सहायता से गाय का रेस्क्यू किया। तो इस वक्त हम आपको रेस्क्यू की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीम ने एक गाय का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि नंदाकिनी नदी में एक गाय बहकर आ गई थी, जिसके बाद तत्काल स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की सूचना एनडीआरएफ की टीम को दी। वहीं एनडीआरएफ की टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि रेस्क्यू करने का तरीका काफी ज्यादा कठिन था, क्योंकि गाय जिस जगह पर फंसी हुई थी वो जगह काफी संकरी थी, जिसके बाद क्रेन की मदद से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आयोजित किया गया और गाय को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं हरकी पौड़ी में केक काटकर बर्थडे पार्टी मनाते हुए हुड़दंग मचाना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हुड़दंग मचा रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ आपको बता दें कि धारा 151 के तहत चालान करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। तो हरिद्वार से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर हरकी पौड़ी में कुछ लोग जन्मदिन मना रहे थे। आपको बता दें कि ये लोग हुड़दंग मचा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन पर कार्यवाही करते हुए धारा 151 के तहत इनका चालान काटा और उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। किच्छा के बेनी नदी रेलवे क्रॉसिंग के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर युवक की मौत का मामला सामने आया है। रेलवे पुलिस और कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि बेनी नदी रेलवे क्रॉसिंग के समीप काशीपुर में चल रही बरेली ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। युवक की पहचान 23 वर्षीय राजकुमार गंगवार के रूप में की गई है। तो पंतनगर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि बेनी नदी रेलवे क्रॉसिंग के समीप काशीपुर से चलकर बरेली की तरफ जा रही ट्रेन की चपेट में आकर इस युवक की मौत हुई है। वहीं युवक की पहचान 23 वर्षीय राजकुमार गंगवार के रूप में की गई है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र बिंदु खत्ता के हाटा ग्राम इंदिरा नगर खराब पड़े हैंडपंप को ठीक करवाने के लिए स्थानीय निवासियों ने बीजेपी नेता को ज्ञापन सौंपा है। समाज सेवी विकास गुप्ता के नेतृत्व में हाटा ग्राम क्षेत्र के युवाओं ने भाजपा नेता पवन चौहान के कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हाटा ग्राम क्षेत्र में 50 घरों के लिए मात्र एक ही सरकारी हैंडपंप लगा हुआ है, जो कि इन दिनों खराब पड़ा है, जिसके चलते इस वक्त लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लालकुआ में इस वक्त हैंडपंप को सही करवाने की गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि पानी की समस्या को लेकर इस वक्त युवाओं ने
एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हेडपंप को ठीक कराने की बात कही गई है। आपको बता दें कि भाजपा नेता पवन चौहान के कार्यालय में पहुंचकर युवाओं ने ये ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि हाटा ग्राम क्षेत्र में 50 घरों के लिए सिर्फ एक ही सरकारी हेडपंप लगा है जो कि इस वक्त खराब पड़ा है, जिसकी वजह से इस वक्त लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि तत्काल इस मामले में ध्यान दिया जाए और लोगों की परेशानियों का हल खोजा जाए। होती रहती है, हेडपंप लगे हैं, खराब भी होते हैं, खराब होते हैं तो ठीक होने चाहिए समय पर, गर्मी का समय है। इन बेचारों ने वहाँ संपर्क जल संस्थान में किया होगा, इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक जी ने बहुत हैंडपंप लगाए हैं, तो हैंडपंप लगाए हैं तो खराब भी होंगे। और मेरे पास आज ज्ञापन लेकर के आए थे परेशान होकर के, तो हमने बात कर लिया। नरेंद्र नगर स्थित पालिका मैदान में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी शाखा नरेंद्र नगर द्वारा सत्संग का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य प्रवचनकर्ता संस्था के पंजाब जोन के वरिष्ठ संत ब्रह्म कुमार मेहर चंद थे। अपने सारगर्भित वचनों से श्रद्धालुओं को प्रभावित करते हुए उन्होंने कहा कि गीता विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसमें ज्ञान, ध्यान, कर्म और संन्यास आदि योगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। संदेश है कि हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करें ताकि मनुष्य जीवन सुख शांति में बीत सके, क्योंकि आज मनुष्य आत्माएं ध्यान की तरफ न जाकर धन की तरफ भाग रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि मनुष्य आत्माएं ध्यान की तरफ आएं और अपने जीवन में सुख शांति लेकर लें, प्राप्त करें, ताकि उनका जीवन मनुष्य जीवन सफल हो सके। वहीं भारत को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्णिम सफलता मिली है। 13 साल बाद भारत की झोली में स्वर्ण पदक आया है। 2008 में अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में स्वर्ण पदक मिला था। वहीं अब जैवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने एक तरफा जीत दर्ज कर स्वर्ण भारत की झोली में डाल दिया है। ये बड़ी बात है कि टोक्यो ओलंपिक में अब तक के सभी ओलंपिक से ज्यादा मेडल इस वक्त भारत को मिले हैं। एक स्वर्ण समेत 7 पदक भारत के खाते में दर्ज हुए हैं। नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम जीत के बाद भारत का हर शख्स खुशियों से झूम उठा है। तो चलिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जैसे अपने होनहार खिलाड़ियों से भारत को उम्मीद थी, इन सभी ने कुछ वैसा ही कर दिखाया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पदकों की संख्या 7 पहुंचा दी है। लंदन ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा 6 पदक जीते थे, जिसका रिकॉर्ड अब टूट चुका है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल की उम्मीद के लिए भारतवासियों को जीत का जश्न मनाने का मौका मिल गया है। पहले प्रयास में 87.03 मीटर भाला फेंका और दूसरे प्रयास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इसे 87.58 मीटर तक पहुंचा दिया। यही स्कोर इस इवेंट में आखिरी साबित हुआ और भारत की झोली में नीरज ने पहला एथलेटिक्स गोल्ड डाल दिया है, जिसके बाद उनके परिवार समेत देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं। ओलंपिक में भारत दल का अब तक का यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हो गया है। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों की संख्या 7 पहुंचाते हुए इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा का गोल्ड भारत के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल रहा। पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत भारत को लंदन ओलंपिक में हासिल किए गए 6 पदकों की बराबरी दिलाई थी। बता दें, भारत को लंदन में हुए 2012 ओलंपिक में 6 मेडल मिले थे।
जो 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक से 3 ज्यादा थे। इसके अलावा भारत को 2016 के रियो ओलंपिक में 2 मेडल ही मिले थे, तो वहीं 1992 और 1900 में भी 2-2 मेडल ही भारत के खाते में आए थे। पुरुष हॉकी टीम ने भारत की झोली में सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल डाले हैं। साल 2008 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। वो व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे। 2021 में नीरज चोपड़ा ने भारत को भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।